हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि 7 ब्लॉक मैं डेली आज से रेगुलर लेकर आऊंगा, तो आ चुके हैं। आज पहला ब्लॉक है और अभी का शाम का समय हो चुका है। आपको बता दूं, ये देखिए दोस्तों, समय हो चुका है 4:30 और 4:30 हो चुका है। और ये लड़का देखिए मुंह फुला के बैठा हुआ है, क्योंकि ये इसका कहना है कि फिर से हमको घुमाने ले चलिए। और इसको एक दिन जो वीडियो बनाए हैं, तो इसको बार बार वीडियो बनाने का शौक आ गया है। तो चलिए दोस्तों, तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। अभी जो भी चैनल पे नया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक सब्सक्राइब और लाइक से हम लोग का और मनोबल बढ़ता है। और ये लड़का को देखिए कितना खुश है ना। चलो हाय करो, हाय करो, हाय करो। हाँ चलो, अब हम लोग चलेंगे घूमने, और घूमने चलेंगे तो तुम तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए लड़का का बदमाशी, ये पहले ही आके गाड़ी पे चढ़ के चाबी लगा चुका है कि हमको लेके चलिए घुमाने। और ये रहा हम लोग का गाड़ी, बिल्कुल तैयार है। और ये भी लड़का तैयार है, तैयार हो गया, चला जाए चला जाए। पापा कहाँ बैठेगा? फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं जहां घूमना था, वहां पहुंच चुके हैं। और आप लोग गेस कीजिए, ये तो हम लोग का नेशनल फ्लैग है। गेस कीजिए कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, कमेंट में बताइएगा कौन सा रेलवे स्टेशन है। और ये रहा ये नोटी लड़का, इधर ताको, इधर ताको, ए इधर ताको। कौन सा स्टेशन है ये देखिए दोस्तों, कौन सा स्टेशन है आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक मैं आगे का वीडियो बनाता हूं और आप लोग को ब्लॉग में दिखाता हूं कि कौन सा स्टेशन है सामने से जाकर। और इधर है टिकट घर, तो हम लोग जा रहे हैं अभी टिकट लेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट, और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फिर वहां से आप लोग को दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखिए स्टेशन पे कैसे प्लेटफॉर्म टिकट लिया जाता है, ब्लॉग में बने रहें। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं टिकट घर में। और ये देखिए आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। भीड़ है दोस्तों, आप ब्लॉक में बने रहे हैं। चलो लाइन में चलो, लाइन में चलो। ये रहा प्लेटफॉर्म टिकट, 10 रुपए का। चलो चलो, है लड़का, चलो इधर। और हम लोग टिकट ले चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, फिर वहाँ से दिखाते हैं। 10-20 मिनट अभी हम लोग घूमेंगे, उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेन आता है, और कुछ बात करेंगे हाजीपुर शहर के बारे में। दोस्तों, हम लोग ने प्लेटफॉर्म टिकट लेकर और स्टेशन पे हम लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये भी मजा ले रहा है बैठ के। क्या ट्रेन आ रहा है? देखो ट्रेन आ रहा है उधर से, देखो। और हम लोग यहाँ ने टिकट ले लिया, गाड़ी को पार्क कर दिया है, और हम लोग आराम से बैठे हैं और इसको कुछ देर यहाँ पे घुमाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ब्लॉक में आप लोग को बताता हूँ, मैं अभी हूँ फाइनली हाजीपुर जंक्शन पे। और हाजीपुर जंक्शन जो है, ये बहुत ही अब तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, 2-3 प्लेटफॉर्म यहाँ पे बढ़ चुका है, 5 नंबर तक है। पहले 3 ही नंबर तक था, अब 5 नंबर हुआ है। और आप लोग जैसा कि ब्लॉक में हमेशा मुझे प्यार देते हैं, ऐसे ही देते रहिएगा। और चलिए दोस्तों, बात करते हैं हाजीपुर। तो हाजीपुर पटना से मात्र 20 किलोमीटर नज़दीक, मतलब दूर है। आप यहाँ हाजीपुर से 20 किलोमीटर दूर है पटना, जो कि राजधानी है बिहार का। और यहाँ से छपरा है 60 किलोमीटर, यहाँ से आपको मुजफ्फरपुर पड़ेगा 60 किलोमीटर, और आपको समस्तीपुर यहाँ से वही 100 किलोमीटर के करीब है। तो आप लोगों ने, और यहाँ पे आप सुन भी रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर यही आवाज़ आता है। ब्लॉक कोई भी बनाता होगा स्टेशन पे, तो इसका तो आवाज़ आता होगा। कोशिश करूँगा कि इसको, इसके आवाज़ को कम करूँ। और आप लोग देख रहे हैं कोई गाड़ी आ चुका है दानापुर रक्सौल, वो अभी जाएगी यहाँ से, स्टेशन पे आ चुकी है। और हम लोग ऐसे ही देखते रहे दोस्तों, ब्लॉग तो दिखाता हूँ। एक गाड़ी जा रही है, आप लोग देख रहे हैं, ये मालगाड़ी है। ये देखिए दोस्तों, नियम का लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं,
यहाँ रेलवे ट्रैक के पास लोग खड़ा होकर जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेन अभी क्रॉस भी नहीं की है और ये लोग खड़े हो जाते हैं, देखिए दोस्तों। और ये रहा दोस्तों पूरा हाजीपुर का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर ये 4 है और इधर 5 है। और आपको इधर दिखा दूँ, इधर RPF का है, रेलवे सुरक्षा बल का इधर कैंप है। और ये सब आप ये देखिए मालगाड़ी जा रहा है। और आपको दिखा दो, उधर 2 नंबर है, फिर उधर 1 नंबर है, और फाइनली आप उधर से एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। और हाजीपुर में मुख्य बात यह है दोस्तों कि हाजीपुर आए हैं तो हाजीपुर का जो मेन गेट है, बाहर निकलेंगे तो वहाँ का चाय फेमस है, एक बार हाजीपुर का चाय ज़रूर पी ले। और मुख्य तौर से हाजीपुर केला के लिए फेमस है, तो हाजीपुर में आएँ तो 2 चीज़ का ज़रूर आनंद उठाएँ। बिहार में हाजीपुर शहर बहुत ही अच्छा साफ सुथरा शहर है। आप लोग ये दोस्तों, ये उग चुका है क्योंकि आधा घंटा समय हो गया हम लोग को आया हुआ, और ये उग चुका है कि नहीं, अब घर चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब घर चलते हैं। और वीडियो में जो भी मेरे भाई लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। चलिए दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपने गाड़ी के तरफ। और गाड़ी के तरफ चलते हुए ये लड़का को देखिए, बहुत ही बदमाश लड़का है, चाबी भी लिए हुए अपने हाथ में। और ये था दोस्तों आज का ब्लॉग, और फिर इससे भी अच्छा ब्लॉग लेकर कल आऊँगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया दोस्तों कि आज हम लोग सही में यहाँ पे हम लोग बनाए हुए थे पास्ता, जो कि फ़ोटो भी हमने लगा चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पास्ता बना है, तो पास्ता हम लोग खाए हैं और उस बहुत ही टेस्टी बना था, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह डाल के। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।